Now we will derive the equation of the ellipse when ellipse center is at h, k, not at origin. Let's suppose here is its center h, k. To derive the equation of the ellipse, first we draw the axis of the ellipse. जबकि हमारे सेंटर h, k हो तो पहले हम क्या करेंगे कि एक्सिस ऑफ एलिप्स ड्रा करेंगे. यहाँ पर x एक्सिस ऑफ एलिप्स ड्रा करेंगे जो कि सेंटर ऑफ h, k के मुताबिक होगा, और वहीं पर ही हम एक y एक्सिस ऑफ द एलिप्स भी ड्रा करेंगे. ये हो गया ऐसे एक्सिस ऑफ एलिप्स. अब ये जो हमारा सेंटर हो गया h, k, इसके मुताबिक हम फोकस भी लेंगे, डायरेक्ट्रिक्स भी लेंगे और वर्टेक्स भी लेंगे. अगर हम यहाँ पर फोकस लें, जो पहले फोकस था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ए ई का मज़ीरो. अब यहाँ पर वर्टेक्स है एच का मके, तो यहाँ पर हो जाएंगे ए ई प्लस एच का मके. ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस. अब सेम डिस्टेंस पे ये हमारा हो गया फोकस एफ प्राइम, और ये हो गई हमारी वर्टेक्स सेम डिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमारी हो गई वर्टेक्स. अब जब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन करेंगे, जो एलिप्स हो बनेगा वो एलिप्स होगा विच हूज सेंटर इज एट एच कामा के. बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स द एलिप्स ऑफ फिगर इज, ये जो एलिप्स है अब इसका सेंटर जो सेंटर जो हो गया वो हो गया एच कामा के, जिसके पॉइंट्स ऑफ फोकस हो गए ए ई प्लस एच कामा के, ए ई माइनस एच का मैं के, और यहाँ पर ही हम डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे. जो डायरेक्ट्रिक्स हम ड्रा करेंगे वो कहाँ ड्रा करेंगे, एक्सिस ऑफ द ऑन द एक्सिस ऑफ एलिप्स, नॉट जनरल एक्सिस. ये जो एक्सिस है ये एक जनरल एक्सिस है, और ये जो हमने एक्सिस ड्रा की ये एक्सिस ऑफ कौन से होंगे, एलिप्स होंगे. पहले जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमने डिराइव की थी वो क्या थी, एक्स इज इक्वल टू ए ई, एक्स इज इक्वल टू ए ई. अब यहाँ पर के जबकि उसमें चेंज आया है, कौन सा h इंक्रीमेंट आया, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू ए ई प्लस एच, और इस डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए ई प्लस एच. और ये कोई भी पॉइंट से, लेट से पॉइंट p लाइंग ऑन एलिप्स x का मवाई. अब सेम ही मेथड यूज करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ डायरेक्ट्रिक्स, इनका जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, ई के. मीन्स के पी एफ ओवर पी एम हमारा किसके इक्वल होगा, ई के. तो पी एफ किसके इज इक्वल टू पी एम. सेम फार्मूला यूज करेंगे पी एफ पे, डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला कौन सा है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर ई पी टू एम. जो पॉइंट पी इज अ पॉइंट एम, एम इज अ लाइन. So we will use the distance from point to a line formula, which is ax plus by plus c over a square plus b square. Now put the values. What is the value of x2? Here it is x1 y1, x2 y2. x2 ki value x minus x1 ki value kya hai, ae plus h. Yahan par ho jayega negative ae minus h whole square plus y minus y1 ki kya value hogi. ये हो गया y1 और y2, y2 y माइनस y1 k होल स्क्वायर इज इक्वल टू e. अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इसको सिंप्लीफाई करें क्या हो जाएगा, x प्लस a ओवर e, सॉरी इट इज इक्वेशन x इज इक्वल ए ई प्लस एच इज इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. मीन्स अगर ये यहाँ पर आ जाए नेगेटिव a ओवर e, और ये हो जाएगा नेगेटिव h ओवर कोफिशियंट ऑफ x 1 होल स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ y 0 स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा x, इसको रीअरेंज करें कैसे, x को h के साथ रखें x माइनस h, और नेगेटिव a e सेपरेट रखें होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू e. अगर हम इसकी एलसीएम लें तो ये क्या होगा, x e माइनस a नेगेटिव h e ओवर 1 प्लस जीरो, किसके होकल हो जाएगा वन के, वो लिखने जरूरत नहीं, और अपॉन में ई, ई ई के साथ कैंसिल. अब स्क्वायर रूट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ये हो जाएगा एक्स माइनस एच माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ई माइनस ए माइनस एच ई होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, ये जो है एक्स माइनस एच ए की जगह पर है, और ये जो ए ई है बी की जगह पर है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर. मीन्स के एक्स माइनस एच
होल स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स माइनस एच प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करें कैसे कि एक्स ई और एच ई को साथ में रखें, एक्स ई माइनस एच ई और ए को सेपरेट करें होल स्क्वायर। अब ये जो है हमारा टर्म हो जाएगा, इसको सेम रखें फिलहाल, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स माइनस एच प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें ई है, यहाँ पर भी अगर इनमें से ई कॉमन लें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एच माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला हो गया इसको हम ए के इक्वल लेते हैं और बी, इसको बी के, ये फार्मूला कौन सा हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको इसके साथ ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स माइनस एच प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स माइनस एच प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये भी नेगेटिव टू ए ई एक्स माइनस एच है और ये भी नेगेटिव टू ए ई एक्स माइनस एच, ये डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर। अगर इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें ये हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पर लिफ्ट करें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स माइनस एच होल स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो जब x माइनस एच स्क्वायर लेंगे कॉमन ये हो जाएगा वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन है ये हो जाएगा वन माइनस ई स्क्वायर। अब सेम मेथड करेंगे डिवाइड ईच टर्म बाय ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर के साथ डिलीट डिवाइड करें और इसको भी ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ये इसके साथ डिलीट हो जाएगा और ये इसके साथ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। हमने पहले भी डिफाइन किया था कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर जो ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर है इसको हमने रिप्लेस किया है किसके साथ बी स्क्वायर के साथ। एंड दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स व्हेन सेंटर इज एट एच कॉमा के।